इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जाने माने स्वर शास्त्री डॉक्टर नारायणाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। तो आज हम जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं वो है इंटरव्यू से जुड़ा हुआ। अगर आप भी किसी साक्षात्कार में जाते हैं और किसी कारण से आप सफल नहीं हो पा रहे, कई बार क्या होता है ग्रहों का कुछ ऐसा लेना देना, भाग्य का चक्र कुछ इस तरीके से घूमता है कि साक्षात्कार आप बार बार भी चाहकर भी सफल नहीं हो पाते, तो वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने के बाद आप इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्या है वो मूल मंत्र जिसके बाद इंटरव्यू में सफलता पाई जा सकती है। नमो नारायण जी। मित्रों, बात करेंगे आज इंटरव्यू में सफलता क्यों नहीं मिलती और इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो क्या उपाय करके जाएं कि आपको पहली बार में सफलता मिल जाए। पहली बात करूंगा आपकी जन्म लगन कुंडली की। आपकी जन्म लगन कुंडली के अंदर सूर्य यदि कमजोर है और सूर्य यदि 5 डिग्री से कम है तो आपको इंटरव्यू में जाते समय जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा। दूसरी सिचुएशन, यदि सूर्य यदि आपका डिस्टर्ब है, सूर्य के साथ यदि बुध, बुध क्या है, वाणी के ग्रह हैं, बुध यदि कमजोर हो गए और सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए तब भी परेशानी आएगी। और चंद्रमा मन के स्वामी, मन को विचलित करने में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है और मन को एकाग्र करने में भी चंद्रमा का रोल है। तो सूर्य, चंद्र, बुध और उसके बाद आगे बृहस्पति। बृहस्पति आपकी कुंडली में एजुकेशन के, बुद्धि के प्रदाता, गुरु, जुपिटर, टीचर। तो अगर इन 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन देख लो आपकी कुंडली में ठीक है तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, उपाय बता रहा हूं बड़ा शानदार, लिख लो, याद कर लो, रिकॉर्ड कर लो। आपके लिए स्पेशली, आपके लिए बोल रहा हूं, आप कीजिए ये उपाय को। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अपने किसी ऐसे कोई लोन के लिए जा रहे हैं, बैंक में कोई लोन अप्लाई करना है उसके लिए जा रहे हैं, आपने कोई IAS का, IPS का कोई एग्जाम है उसका कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजों के इंटरव्यू हो सकते हैं, उन माता पिता के भी इंटरव्यू होते हैं आजकल जो छोटे छोटे बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं। इंटरव्यू किसी का भी किसी भी चीज में हो सकता है। साक्षात्कार के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या है, एक लाल धागा और एक पीले धागे को आपस में जोड़ लीजिएगा, एक बराबर में। लाल धागा और पीले धागे को दोनों बराबर में रस्सी को जोड़ना है और उसके बाद गांठें लगानी है उसमें 7 बार। पहली गांठ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, जय गणेश काटो कलेश। फिर दूसरी गांठ लगाएंगे, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। इस प्रकार से दोस्तों बोलते हुए आपने 7 गांठें लगानी है धागे के अंदर और उस धागे को आपने गणेश महाराज के चरणों में लगा करके जय गणेश काटो कलेश मंत्र बोलते हुए, गणेश जी के चरणों में लगा करके धूप दीप करके 2 लड्डू का भोग लगा के गणेश महाराज को, और उस धागे को अपने पास संभाल के रख लीजिए। जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम जब आपका सफल हो जाए उसके पश्चात उस धागे को आपने भगवान के सामने मंदिर में चढ़ा दीजिएगा या कोई पेड़ की जड़ में या गमले के अंदर कहीं दबा दीजिएगा। बस ये उपाय करना है दोस्तों, करके देखिएगा, रिजल्ट ईश्वरीय कृपा से जरूर मिलेंगे आपको। दूसरा दोस्तों, सूर्य को जल दिया करें और घर में जो पिता हैं, दादा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके चरणों में हाथ लगाने से, उनकी सेवा करने मात्र से सूर्य ठीक हो जाते हैं। और सारे के सारे ग्रह तो आपको पता है गणेश महाराज ने माता पिता के चारों तरफ राउंड लगाए थे, परिक्रमा की थी, तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा मानी जाती है। ये एक बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी पॉइंट क्या दोस्तों, माता पिता के अंदर सारे ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं। जो इंसान माता का या पिता का उनकी सेवा करके जाएगा उसका इंटरव्यू में ये उपाय बहुत ज्यादा काम करेगा। और ये धागे वाला उपाय कीजिएगा, रिजल्ट देखिएगा, मिलेंगे मिलेंगे नारायण कृपा से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना मिले, नारायण की बड़ी कृपा है, विष्णु भगवान के बड़ा आशीर्वाद है, जरूर सफलता मिलेगी आपको। जी नारायण जी, तो ये तो बात रही कि अगर कोई साक्षात्कार में जाने वाला है, अगर कोई बिजनेस डील हो उसे वो सफल करवाना चाहते हैं। बिल्कुल देवी जी, बिल्कुल शेनम जी, बिल्कुल, जो इंटरव्यू की बात आ रही है, बिजनेस की बात आ जाए, किसी भी क्षेत्र में आ जाए, आप ये उपाय कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे। जय गणेश काटो कलेश।